लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। अमित शाह का सीमांचल दौरा, बिहार में सियासी बवाल, लालू ने साधा बीजेपी पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल का दो दिवसीय दौरा शुक्रवार से शुरू हुआ था। पूर्णिया में हुई जनभावना रैली से अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा था। अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री के हमले का जवाब दिया है। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी। लालू यादव सोनिया गांधी से मिलने के लिए पटना से दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह परेशान है, बिहार से उनकी सरकार का सफाया हो गया, 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। देखिए क्या बोले लालू यादव। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं, तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। आई गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी जी सरकार बनेगी, बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना किसकी सरकार। एक सवाल है सर, कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे, बोल रहे कि लालू यादव एक बार फिर से छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल विश्वास हम लोग एक इकट्ठा हो गए हैं, नीतीश साथ थे तो बहुत अच्छा। पूर्णिया में हुई रैली से अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज के कंधे पर बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज की तबीयत खराब हुई तो उन्हें हटा दिया। शरद यादव को धोखा दिया, फिर भाजपा को पहली बार धोखा दिया, फिर जीतन राम, फिर रामविलास पासवान और फिर पीएम बनने की लालसा में बीजेपी को धोखा देकर लालू के साथ चले गए। आपको कहने आया हूँ, सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए, आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का यह पहली बार बिहार दौरा है। अमित शाह ने अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को बिहार के प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज जिले में शुक्रवार की रात बिताने के बाद शनिवार सुबह अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे। बिहार बीजेपी ने ट्विटर पर कई फोटो शेयर की हैं, जिसमें अमित शाह मंदिर में आरती करते और पुजारियों का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं।